अगर कोई महिला है, अगर उसको खाने पीने का परेशानी आ रही है, कपड़े लत्ता परेशानी आ रही है, घर में कोई भी परिस्थिति ऐसी आ रही है परेशानी वाली, तो महिला को ये नहीं सोचना चाहिए कि हम परेशान हैं और पति के भरोसे बैठे रहे हैं, वही करेंगे वही करेंगे, जो करेंगे वही करेंगे, ऐसा ना सोचें। परेशानी जब आई तो दिमाग में अपने आप, अगर कोई महिला करने वाली है तो खुद सोचे कि अगर आदमी से अगर ये परेशानी हल नहीं हो रहा है तो हमें करना चाहिए, हमें आगे आना चाहिए। तो फिर ऐसा हमने सोचा कि घर में बहुत परेशानी थी, परिवार बड़ा था, हम लोग तो 6 प्राणी है ही हैं, लेकिन हमारे घर में एक जो 5 भाई थे और सभी लोग जलाना चढ़ाना सभी लोग हैं, तो सभी उनको अलग होने के बाद सभी लोग आए, गांव भी विरोध में आया, परिवार भी विरोध में आए, लेकिन हमने किसी का नहीं सुना, बस हम सही हैं और हम सही रास्ते चल रहे हैं, हम सही कर रहे हैं, तो सही है। तहसील में हम आए हैं, यहाँ पे टेराकोटा का बहुत अच्छा कारोबार है। टेराकोटा में उद्योग में आजकल देखेंगे तो खुर्जा गोरखपुर इसका भी प्रमुख स्थान है, बुलंदशहर का भी स्थान है और निजामाबाद में भी बहुत बेहतर इसका कारोबार होता है। और लगभग 300 के करीब छोटे छोटे उद्योग जो हैं, 300 के करीब माइक्रो लेवल के उद्योग जो हैं वो कार्यरत हैं और यहाँ से देश विदेश चारों तरफ एक्सपोर्ट भी यहाँ से अच्छा खासा होता है। तो मैं अभी जो है ननाथ है पोल्ट्री उद्योग से संबंधित, तो मैम से मैं वार्ता करना चाहूँगा। अच्छा मैम पहले ये बताइए, ये क्या, इसको हम क्या बोलते हैं, चिलम बोलते हैं? ये देखिए, ये देखिए, ये चिलम है, इसको चिलम कहते हैं। और ये चिलम जो होता है विशेषकर आप देखे होंगे इस, आप जैसे बनारस जाएंगे जहाँ हर लोग होते हैं तो बनारस के घाटों पर ये जरूर आपको चिलम का उसमें गजा धोते हुए सब लोग मिल जाएंगे। बाबा लोग, ज़्यादातर बाबा लोग होते हैं अवघड़ लोग, वो सब चिलम का ज़्यादा प्रयोग करते हैं। आज भी गांवों में लोग इसका यूज करते हैं, कुछ लोग सुरती डाल के, कुछ लोग कुछ इसमें डालकर वो पीते रहते हैं। गांवों में ज़्यादा इसका प्रयोग होता है चिलम का। और ये सब जो है बच्चों के खिलौने हैं, ये मैं भी जब हम लोग छोटे छोटे बच्चे हुआ करते थे तो ये सब में इसमें बहुत छोटे छोटे काफ़ी ये सब ये देख रहे हैं, ये सब छोटे छोटे ये सब खिलौने होते थे जिससे खेला करते थे। ये सब देखिए सभी खिलौने हैं, खिलौने हैं बिल्कुल पास से दिखो, बिल्कुल खिलौने हैं। ये देखिए ये जो है ना ये सब खिलौने हैं, हाथी हाथी है, ये भोलेनाथ का मूर्ति है, सब ये बच्चों के खिलौने। ये देखिए शिवलिंग जिसे बोलते हैं, ये सब विशेष करके ना ये पूजा में नहीं बच्चे खेलने के लिए शायद घर पे यूज करते हैं ना सभी इकट्ठे हुए, इसका पूजा ये शिवलिंग का पूजा में भी होता है। आज जैसे अंदर है ये छोटी 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 होता है, लेकिन हम लोग जब छोटे छोटे बच्चे में याद है कि सभी पूजा के लिए खेलने में जब बच्चे सब इकट्ठे होते थे तो शिवलिंग यहाँ लगाकर उसके बगल में सब हाथी वगैरह वो जो क्या बोलते हैं नंदी वगैरह लगा के बच्चे सब पूजा करते थे तो उसमें यूज करते थे। ये भी सब देखिए आप सभी टेराकोटा की मूर्तियाँ सब है। आइए मैं चाहूँगी, अच्छा चीनी मिट्टी है सर, अच्छा टेराकोटा से ये बना हुआ है जी हाँ, और ये टेराकोटा का है हाँ, ये दीपक है, ये दीपक है जो टेराकोटा से जी हाँ, ये सभी चीनी मिट्टी है, कुछ लोग इसको भी पसंद करते हैं सर। अच्छा ये चीनी मिट्टी से, ओके ओके आइए, ये देखिए कितना, ये पॉटरी यही है सर, ब्लैक पॉटरी है ना जी हाँ, ये 9 किलो, ये देखिए ये पास इधर से आई, ये ब्लैक पॉटरी जो है ये देखिए, ये ब्लैक पॉटरी में मैं ये आप इसका सेट भी मैं दिखा सकती हूँ, इसका ब्लैक पॉटरी का ये जो है ये नाइट लैंप है, एक मिनट मैं, ये ब्लैक पॉटरी जो है ये क्या चीज से ये बना है, टेराकोटा है या चीनी मिट्टी है? चीनी मिट्टी नहीं, टेराकोटा नहीं है, ब्लैक पॉटरी मिट्टी से बना हुआ है, ये मिट्टी से बना जी, मिट्टी का है बना। अच्छा ये मिट्टी कहाँ से आप लोग लाते हैं? मिट्टी आसपास के फोटों से आती है और ये पेंट नहीं किया गया है, पकाने से काला है। अच्छा विदाउट पेंट है जी हाँ। इसको पकाया गया है जी हाँ, पकाने से ये ब्लैक हुआ है, देखिए कितना खूबसूरत है, पकाने से बिल्कुल ब्लैक हो गया है। इसका सेट लगा के दिखा रही हूँ अभी, दिखाइए तो जरा, अरे वाह ये नाइट लैम्प है, ये नाइट लैम्प है जी हाँ, नाइट लैम्प है, इसके ये दिखा दूँ मैं आपको, यहाँ पे ब्लब फिट होते हैं, नीचे से तार निकाल लेते हैं, तो ये जो है आप इसको क्या बोलते हैं नीचे के, ये पावा है, पावा है जी,
इसका पार्ट है, पार्ट है। का एक पार्ट है तो ये तीनों लगा कर ये नाइट लैंप हो गया जी। नीचे इसके अंदर वो ब्लब फिट होंगे, नीचे से तार निकाल लेंगे जी जी। और जब रात में ये जलेगा रोशनी होकर का आएगा, बहुत सुंदर लगता है। इसका कॉस्ट क्या होगा लगभग अंदाज का? ये 4500 में है। ये 4500 रुपए में। ये जो पुगा है ये पेंट नहीं है। सबसे बड़ी खासियत है कि ये टेराकोटा का जो है इसमें पेंट नहीं है। इसको ब्लैक इसके पकाने का जो हम दिखाएंगे इसको कैसे पकता है उसको भी हम लोग दिखाएंगे। और उसमें पकाया जाता है, बल्कि ये कलर नहीं है, ये बिल्कुल पकाने का तरीका भी इसका डिफरेंट है। तो इसमें टेराकोटा में एक क्या चीज है? ये भी नाइट लैंप ही है, इसका सेट होता है ये। और ये फ्लावर पार्ट है, गुलदस्ते जिसे कहते हैं जी जी। ये मछली है, 100 पीस के ये सब आइटम है जी 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 हाँ। और आगे ये डिनर सेट है इस साइड। तो इसका इसका आप लोग जो बताए कि मैं कहाँ कहाँ मेन मार्केट आपका मुख्य मार्केट कौन सा राज्य है जहाँ जाता है ज्यादा? मुंबई में। सबसे ज्यादा मुंबई में आपका जाता है। तो कैसे ट्रांसपोर्टेशन कैसे करते हैं? आते हैं अपना माल बुक करते हैं तो लेकर चले जाते हैं। अच्छा, वहाँ से व्यापारी आते हैं? व्यापारी आते हैं, अपना माल बुक करते हैं, खुद लेकर जाते हैं। वेरी गुड, बहुत अच्छा कारोबार है जी जी। और दिखाइए क्या क्या ये क्या है सर? ये मटके हैं। ये मटके हैं जी, गर्मी में पानी पीने के काम। टेराकोटा से जी हाँ, टोटे भी लग सकता है, ऊपर इसका ढक्कन भी लग सकता है। क्या कॉस्ट का है इसका? क्या पड़ेगा? 250 है। साइज के ऊपर होता है, साइज के ऊपर होता है। 250 का जैसे एक कलर है कि पकाया हुआ है? पकाने से साइज में इसकी कलर है, पकाने से आया है। ये पकाने से इसमें कोई कलर नहीं लगाया गया? जी नहीं, कोई कलर नहीं है। वेरी गुड। ये क्या है? ये हांडी है। ये सब आपके हांडिया है? इसमें दही जैसे दूध चुरा सकते हैं, फिर दही इसी में जमा सकते हैं। इस पे ऊपर कलर नहीं लगा है? जी नहीं, कलर कोई नहीं, किसी पर भी कलर नहीं, कलर नहीं है। सब पकाने से ही है ना? पकाने से ही है। ये क्या है पीछे पीछे आपके? ये भी 100 पीस के आइटम है जी जी जी। और ये देखिए, देख लीजिए आप, ये लाल है, ये भी पेंट नहीं। अच्छा देखिए, इतना खूबसूरत ये लाल है, देखिए विदाउट पेंट है, इसमें कोई पेंट का प्रयोग नहीं हुआ है। देखने से कितना खूबसूरत है। यही चीज कहा जाता है कि जो देसी स्टाइल आज भी है, मशीनों पे के अपेक्षा हाथ की कारीगरी का कोई जवाब नहीं है। और कितना खूबसूरत है, टेराकोटा है जी हाँ, टेराकोटा है। अच्छा आइए इधर आइए। और हमें ये सब तो कलर है आपका, देखिए सब कलर है। ये चीज देखिए, ऊपर दिखाइए कितना खूबसूरत खूबसूरत है। सब बॉटल है, देखिए वाटर बॉटल है ना जी। ये देखिए वाटर बॉटल टेराकोटा का है। ये चूड़ी पर सेट है, इसका ढक्कन जी जी, अभी मैं दिखा रही हूँ। इसका ढक्कन दिखाइए, इसका ढक्कन दिखाइए जरा। ये सभी बोतल है, देखिए वाटर बोतल सभी लगे हुए हैं, यानी टेबल पर ये सब सजाया है। ये सभी मुंबई जाता होगा जी? हाँ मुंबई जाता है। ये देखिए इसका ढक्कन चूड़ीदार है। अरे देखिए क्या शानदार चीजें हैं। मैं ये देखिए वाटर बोतल और इसका ढक्कन देखिए चूड़ीदार है, कितना सुंदर ये टेराकोटा का बना होगा। ये आप देखिए ऐसा ही है चूड़ी, इसका सेट होता है। देखिए इसमें मिट्टी का है, इसमें भी चूड़ी है और इस पर भी चूड़ी है। और ऐसा रखकर इसको आप मस्त देखिए। अरे वाह क्या जबरदस्त, आप देख रहे हैं कितना खूबसूरत चीज है। इसके कलर और है मैम, कौन कौन सा कलर इसमें? आप तीन कलर हो सकते हैं जी जी। एक देखिए विशेष कलर एक है जी जी, ये टाइट ज्यादा हो गया। अच्छा आप ये देखिए कि अगर टेबल पर ऑफिस में कहीं भी रखने पर ये चीज है कि देखिए अपने दिल की धड़कन कहा जाता है कि ये हिंदुस्तान की धड़कन है ये सब चीजें। और यही जो है ना, यहाँ से मुंबई जाता है और मुंबई से लोग एक्सपोर्ट करते हैं, जो एक्सपोर्टर हमारे हैं वही एक्सपोर्ट करते हैं। यही चीज आपको वेस्टर्न कंट्रीज में 10 गुना ज्यादा रेट पर बिकता है। तो ये ज्यादातर एक्सपोर्ट का काम मुंबई की पार्टियां सब यहाँ से ले जाती है और ज्यादातर जाकर वहां पे वो लोग एक्सपोर्ट करते हैं। एक्सपोर्ट से इसमें बहुत ही प्रॉफिट है। जिसके पश्चिमी देशों में डिमांड बहुत ज्यादा है। हमें कुछ आप बताइए कि चूंकि इसके विषय में मैं बहुत सुना करता था जब मैं था मुरादाबाद में, वहां भी था कि ज्यादातर एक्सपोर्ट वहां की लगभग 92-93% इंडस्ट्री एक्सपोर्ट का काम करती है। वो लोग तो क्या करते थे, अमूल दूध वाले जो आते हैं ना, अमूल वगैरह के डब्बे हमें यहाँ तक पुराने सब डब्बों पे पेंट कर कारीगरी कर और उसे एक्सपोर्ट में लागत होता था 50 रुपया और एक्सपोर्ट में वो क्या करते थे वेस्टर्न कंट्रीज में 2500-3000 में बेचा करते हैं। आज भी आता जी, ये भी एक्सपोर्ट के बहुत देते। इस पे अपना ब्रांड आप लोग नहीं लिखते हैं जी? हाँ ब्रांड नहीं लिखते हैं,
अच्छा वो अपना ब्रांड लगाती होंगी, जैसे वो अपना ब्रांड अपना स्टिकर वगैरह लगाती होंगी इस पर करती है, क्योंकि उसकी उनकी तरफ से मना हो जाता होगा। जी मना नहीं रहता है, लेकिन वो अपना ले जाते हैं, अपना कुछ भी लगा के बेचे। अच्छा कुछ भी लगा कर बेचे। ये क्या है सामने आप दिखाई जरा, ये सब चीजें जी जी एक गुलदस्ते हैं छोटे छोटे, इसमें अपना ओरिजिनल फूल पौधे वाले जो होते हैं जी जी। उसको आप लगा सकते हैं इसमें 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 ना छोटे छोटे फूल रोज डेली बदल सकते हैं। ये क्या है ये सामने दिखाइए, ये देखिए ये डिनर सेट है। अरे वाह डिनर सेट देखिए, टेराकोटा का डिनर सेट आपको देखने को पहले बार मिलेगा। टेराकोटा का डिनर सेट कितना खूबसूरत है डिनर सेट, जरा हमें बताइए। इसमें तीन कलर के आप पूरा डिनर सेट एक बार जरा सेट लगाइए हम देखते हैं जी। ये पूरा डिनर सेट लगा, ये क्या है बताते चलिए। देखिए डिनर सेट का पहला ये वाटर बोतल हो गया डिनर सेट का, नहीं ये सेट से अलग होगा, ये सेट से अलग होगा डिनर सेट। ये बड़ा प्लेट है, ये बड़ा प्लेट है खाना खाने के लिए जी जी। फिर ये छोटा प्लेट है जी। फिर ये तीन कप है, इसमें भी ढक्कन होते हैं जी जी। फिर ये छह गिलास है जी। ये बड़ी कटोरी छह, ये छोटी कटोरी छह जी। और फिर एक जग होता है जो 34 पीस होते हैं। अच्छा इसमें क्या मिट्टी खाने में तो नहीं आएगा? ऐसा कुछ भी नहीं है सर जी जी। इतने ही पीस लाल वाले में भी आता है, इतने पीस काले वाले में, काले वाले में, काले वाले, ये सभी काले वाले का सेट है, ये सब काले वाले का सेट है। देखिए टेराकोटा का काले डिनर सेट है, लगा नहीं है ये लाल रेड कलर का है, कम्प्लीट नहीं है, इसके और भी अंदर रखे होंगे, वहाँ चलकर हम देखेंगे। और ये सभी ऊपर देखिए वाटर बोतल के अलग अलग डिजाइन, वाटर बोतल और केटली सभी रखा हुआ है। और क्या क्या है अभी टेराकोटा में आप हमें दिखाइए जरा, इधर ये दिखाइए। अरे वाह ये सब देखिए सभी का है, यहाँ पर चेक रखा हुआ है। कप कप प्लेट है देखिए टेराकोटा का, एक कप प्लेट है जी जी। इसमें कितने डिजाइन है? इसमें बहुत से डिजाइन होते हैं, लेकिन तैयार के ऊपर इसमें अभी दो ही मॉडल तैयार है, मैं दिखा सकती जी जी। इसमें दो मॉडल तैयार है, एक ये क्या है, ये फ्लावर पार्ट जी। एक निकालिए तो इसको दिखाइए तो, अच्छा ये सब चीजें है कि जो हमारे कहने का मतलब कि यहाँ पे अपना लोकल बाजार करेंगे ना? है ऐसी बात नहीं, सबसे ज्यादा यही खपत होता है, सबसे ज्यादा यही खपत होता है, यहाँ से लोग व्यापारी लेके जाते हैं, व्यापारी भी ले जाते हैं, शादी ब्याह में भी यूज होता है, ये गिफ्ट लोग करते हैं, किसी का भी जन्मदिन है उस पर भी गिफ्ट करते हैं, किसी को शादी में डिनर सेट गिफ्ट करना है ऐसे भी, और बहुत से अधिकारी लोग आते हैं उनके सम्मान में भी गिफ्ट करते हैं। इसमें क्या लगाते हैं ये अभी तो कुछ, ये देखिए कितना खूबसूरत है, ये देखिए आप इसको इसमें फ्लावर वगैरह लगाते हैं ना? जी हाँ फ्लावर पार्ट है, बहुत ही खूबसूरत फ्लावर पार्ट है इसमें देखिए। और ये सब प्लेट वगैरह है ना? जी हाँ। एक ग्लास है, हाँ एक प्लेट है जी जी, और एक कप है जी जी, इसके साथ फिर एक और मॉडल है मैं आपको दिखा सकती हूँ। ये सभी ग्लास है ना? जी हाँ, देखिए कितने खूबसूरत ग्लास है, पानी पीने के काम में आते हैं जी जी, इसमें दूध चाय कॉफी कुछ भी आप पी सकते हैं जी जी। ये देखिए कितने खूबसूरत गिलास है, आप देखिए आप कॉफी चाय पानी वगैरह सभी पी सकते हैं, यहाँ पे डिनर टेबल पे आपको रखने के लिए बहुत ही खूबसूरत है। गेस्ट विशेषकर ऐसे जो चीजें होते हैं ना, विदेशी लोग जो होते हैं फॉरनर बहुत पसंद करते हैं, और विशेषकर उद्योगपति जितने पूंजीपति उद्योगपति लोग जो होते हैं जी, उनके टेबल पे अमूमन ये सब चीजें मिल जाते हैं, क्योंकि ये सब खूबसूरत है। देखिए कहा जाता है कि देखिए मॉडर्न में ज्यादातर मेटल की चीजों का प्रयोग उद्योगपति लोग कम करते हैं उनके टेबल पे, उनके पे हैंडीक्राफ्ट की चीजें ज्यादा प्रयोग होते हैं। और ये सब चीजें ना टेराकोटा वगैरह ये सब का प्रयोग आज भी जाएंगे, जो बड़े बड़े शहर में जाएंगे, मेट्रो सिटी में जाएंगे, बड़े बड़े मॉल में जाएंगे, तो ये सब चीजें ज्यादा वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। और प्रॉफिट अच्छा खासा प्रॉफिटेबल व्यवसाय है उसमें, अगर आप जाकर देखें तो, चूंकि मैं इसके संदर्भ में नेट वगैरह पे इंटरनेट पे काफी देखा था इस संदर्भ में, मुझे यहाँ पे नजीबाबाद के विषय में जानकारी कम था, टेराकोटा गोरखपुर वगैरह जानता था आपको, और जगह को विषय बुलंदशहर आसपास के चीज़ों के विषय में मैं सुना था कि वहाँ पे काफ़ी इसका कारोबार है, लेकिन पहली बार पता लगा कि नजीबाबाद में यहाँ पे सॉरी निजामाबाद में लगभग 300 से ऊपर इंडस्ट्री छोटे छोटे उद्योग हैं जो कार्य करते हैं निजामाबाद में। ये देखिए ये दिखाइए तो, ये क्या है सर? काब है, डोगा भी बोलते हैं, काब भी बोलते हैं इसको। इसमें क्या होता है? इसमें सर्विंग के लिए है, खाना भी बनाइए, कोई भी खाना बनाए आप इसमें पलटी करके रख दे, आपका खाना खराब नहीं होगा, ये ठंडा रख करके रखता है। ओके 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 जी। ये सब एक केतली है ना? केतली है, और एक कप है सर,
जी जी एक कप है, टेराकोटा में एक कप है, एक मॉडल जी 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 एक कप है, कप इसको कप हम बोलते हैं। आप देखिए सब कप है इसके। और एक चीज आजमगढ़ जिला में आपको टेराकोटा का बहुत अच्छा खासा कारोबार आपको है, इसका अपना एक्सपोर्ट और डोमेस्टिक बिजनेस भी बहुत बेहतर है टेराकोटा का, वो है निजामाबाद। निजामाबाद ही आजमगढ़ में पड़ता है और उसमें हम आए हैं नाथ पॉटरी में। नाथ पॉटरी की जो संचालिका है हम उनसे पुष्पा प्रजापति जी से हम बात करेंगे। पुष्पा प्रजापति जी की जो कहानी भी बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है कि पुष्पा प्रजापति जी का पहले जो बिजनेस था नोटबंदी के पूर्व जो यह बिजनेस था छोटा सा बिजनेस था और उस समय पुष्पा प्रजापति जी दूसरे से ये बना बनाया प्रोडक्ट खरीदती थी, सिर्फ मार्केटिंग करती थी, मैन्युफैक्चरिंग किसी और लोगों से अपना जो मैन्युफैक्चरिंग करते थे उनसे प्रोडक्ट लेकर और मार्केटिंग अपना किया करती थी। लेकिन जैसे ही नोटबंदी हुआ, नोटबंदी में पुष्पा प्रजापति जी के पति का बिजनेस बहुत बेहतर बिजनेस था और वो आपको एक मनी एक्सचेंज का काम किया करते थे जो उस समय बंद हो गया। अब बंद होने के बाद हुआ कि कोई उनके पास विकल्प नहीं था कि हम क्या बिजनेस करें और क्या बिजनेस नहीं करें। तो कहा जाता है ना कि जब नैया डूबने लगती है तो कोई ना कोई मझधार बनता ही है उसको संभालने के लिए। और पुष्पा जी गृहिणी के रूप में इन्होंने जो अपना कारोबार छोटा सा शुरू किया था वही छोटा सा कारोबार इन्होंने पति के बड़े बिजनेस डूबने के बाद, पति के जो बड़ा बिजनेस डूब गया तो छोटा सा कारोबार ने उन्हें सहायता किया, उन्हें संबल दी, मजबूती दी और इसी व्यवसाय से आज सब कुछ बेहतर चल रहा है और पति भी अब इसी व्यवसाय में इनके पुष्पा प्रजापति जी के जुड़ गए हैं। और पुष्पा प्रजापति जी जो आज के समय हैं कि इस मैन्युफैक्चरिंग में भी आ गई हैं और बेहतर आज इनका कारोबार है। तो पुष्पा जी नमस्कार, आपका स्वागत है निर्भय टॉक में। तो मैं आपसे बात करना चाहता हूँ कि आखिर आप घर को और बिजनेस को कैसे संभाली? जैसे बच्चे सब सारा काम समाप्त होने के बाद सुबह खाना बनाना खिलाना पति को भेज देते थे, अपने ड्यूटी चले जाते थे उस दुकान पर, मैं खाली हो जाते थे, बच्चे स्कूल चले जाते थे, फिर उसके बाद खाली रहते थे। तो मैंने सोची कि अब हम क्या करें, फिर ये दुकान बनाई। दुकान बनाने के बाद अपना इधर समय से चली आते थे, 9 बजे से दुकान पर चली आते थे। फिर इसके बाद जब समय हो जाता था तो पास में ही घर है वहाँ जाकर बच्चे आ जाते थे, सबको सिस्टम से सबका नियम बना रखी थी, अपने समय पर जाकर वहाँ पर भी देख लेती थी, यहाँ पर भी देख लेती थी। अच्छा पुष्पा जी ये बताइए कि आज के समय में जैसे महिलाएं घर तक ही सीमित रहना चाहती हैं, वो चाहती हैं कि मेरा पति काम करे और मैं घर पर ही रहूं, ज़्यादातर ग्रामीण महिलाएं। देखिए शहर में तो एकदम बिल्कुल हो जाता है कि शहर में तो 90% महिलाएं जो हैं वो कहीं ना कहीं, विशेषकर जो पढ़ी लिखी महिलाएं हैं, शहर में पढ़ी लिखी महिलाएं हैं वो 90% से ज़्यादा अपने पैरों पे खड़ी हैं। और जो पढ़ी लिखी नहीं है वो शहर में महिलाएं उसमें मुश्किल से 10-15% अपना रोजगार कर रही हैं, बाकी गृहिणी का ही काज घर पे कर रही हैं। आप एक गांव के परिवेश में रहते हुए कैसे इसको आपने बिजनेस को किससे सीखा कि हम अपना बिजनेस खुद एस्टेब्लिश करें, अपना कारोबार खुद करें और अपने पैरों पे खुद खड़ा हो? जी देखिए यहाँ से शुरू होता है, अगर घर में कोई परेशानी है तो अगर कोई महिला है अगर उसको खाने पीने का परेशानी आ रही है, कपड़े लगता है परेशानी आ रही है, घर में कोई भी परिस्थिति ऐसी आ रही है परेशानी वाली, तो महिला को ये नहीं सोचना चाहिए कि हम परेशान हैं और पति के भरोसे बैठे रहे हैं, वही करेंगे जो करेंगे वही करेंगे, ऐसा ना सोचें। परेशानी जब आई तो दिमाग में अपने आप, अगर कोई महिला करने वाली है तो खुद सोचिए कि अगर आदमी से अगर ये परेशानी हल नहीं हो रहा है तो हमें करना चाहिए, हमें आगे आना चाहिए। तो फिर ऐसा हमने सोचा कि घर में बहुत परेशानी थी, परिवार बड़ा था, हम लोग तो 6 प्राणी है ही हैं, लेकिन हमारे घर में ये जो 5 भाई थे और सभी लोग जलाना जलाना सभी लोग हैं, तो सभी उनको अलग होने के बाद भी सबको देखना पड़ता था, अलग नाम अलग का था लेकिन सबको देखना पड़ता था, इनका हाथ सबके पीछे रहता था। घर के सबसे बड़े हुए? जी नहीं, चौथे नंबर पे हैं, लेकिन पढ़े लिखे होने के कारण हर परेशानी इन्हीं के ऊपर, जिम्मेदारी इन्हीं के ऊपर आती थी, सबको देखना पड़ता था। आप कितनी पढ़ी लिखी? जी हम तो बहुत ज्यादा नहीं है, हाई स्कूल है। हाई स्कूल? देखिए ज्यादा नहीं बहुत ज्यादा है, इसलिए कि हाई स्कूल की पढ़ाई आपने की है, हाई स्कूल तक आप पढ़ी हैं पुष्पा जी। और इन्होंने
देखिए व्यवसाय बहुत बड़ा या बहुत छोटा से मतलब नहीं होता है। मेरा जो उद्देश्य आजमगढ़ में आकर मैंने ये चीज सीखा और देखा कि आपसे मिलने के बाद कि यदि परेशानियों के नाम पे रोने वाले लोग कुछ नहीं कर पाते। आपने जो अभी जो हमसे बोला कि बातें हुआ कि जब समस्याएं हैं वो लगता है कि यदि हमारे जो डेली नीड्स हैं जो हमारी जरूरत है घर की अगर फुलफिल नहीं हो रहा है तो हम सिर्फ पति के नाम पे रोना बंद कर दें, हमें खुद आगे बढ़ के कुछ करना पड़ेगा कि हम कैसे धन अर्जन करें, हम कैसे कोई व्यवसाय सेटल करें। हमें किसी चीज की जरूरत है तो कहाँ से पूर्ण होगा, हमें चार बच्चे भी हैं और भी हमारे पास कार्य हैं, सब कुछ देखना है तो हमें खुद कुछ करना होगा। अपना कुछ अगर शौक है तो उसके लिए हमें कुछ करना होगा तब हम उस। तो क्या जब आप व्यवसाय शुरू की तो आपके परिवार वाले सामूहिक, चूंकि आपका परिवार पांच भाइयों के पति पांच भाई सामूहिक परिवार बहुत बड़ा परिवार था और उस परिवार से निकलकर आपने बिजनेस करने की सोची कि हम अपने पैरों पे खड़ा हो सके और हमारे चार बच्चे हैं उनका देख रेख हम कर सके, तो क्या परिवार विरोध नहीं किया? परिवार तो विरोध में तो सभी लोग आए, गांव भी विरोध में आया, परिवार भी विरोध में आए, लेकिन हमने किसी का नहीं सुना। बस हम सही हैं और हम सही रास्ते चल रहे हैं, हम सही कर रहे हैं तो सही है, हम गलत नहीं करें। बस किसी की नज़र में गलत ना हो, कहने से कर्तव्य बिक जाए वो ठीक है, लेकिन कर्तव्य कोई ना देखे। सॉरी गलत हम नहीं, कोई बात नहीं, ठीक है। देखिए बहुत बड़ा चीज है कि देखिए पुष्पा जी ने कहा जाता है ना डिग्री से कुछ नहीं होता है, इन्होंने जो बहुत कम शब्दों में जो बोल रही हैं कहीं कि कर्तव्य सही होना चाहिए, हम काम सही करें और डिग्री देखिए पढ़ने को तो गांव में, अभी मैंने रास्ते में लगभग कल आजमगढ़ में बनारस में बहुत ऐसे जो बीए पास है उन लड़कियों से मैं मिला, बोला कि तुम बात करना चाहता हूँ, कैसे नहीं नहीं मैं बात नहीं करूँगी, दुपट्टे से मुँह लपेटे हुए बात करने से मना कर दी, किसी चीज़ पर डिस्कस करने से मना कर दी। लेकिन महिलाओं में आज पुष्पा जी से बात किया, कल एक और आपसे वो लड्डू बनाने वाली महिला से मैंने बात की थी, आज पुष्पा जी से बात करने पर लगा कि पुष्पा जी हाई स्कूल भी कंप्लीट नहीं कर पाई हैं, लेकिन पुष्पा जी उन एमबीए के लिए जो बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन जो बिजनेस मार्केटिंग के लिए जो पढ़ाई कर रहे हैं उन लड़कियों के लिए उन सबके लिए एक नेतृत्व की उदाहरण है कि कैसे हम बेहतर एक नेतृत्वकर्ता बने जो पूरे परिवार का भविष्य संभाल सके। देखिए पुष्पा जी ने जो बहुत ही कम शब्दों में इन्होंने बोली कि लाख लोगों ने क्या बोला, लोगों ने क्या शिकायत की, लोगों ने हमें क्या कहा, उसकी परवाह नहीं की हमने, हम सिर्फ ये सोचे कि हमें आगे कैसे बढ़ना है, हमें अपने व्यवसाय को कैसे बढ़ाना है, हमें परिवार को कैसे आगे लेकर जाना है, दुनिया की हम परवाह नहीं किए। सही कहा इन्होंने, दुनिया की परवाह करने वाले कभी आगे नहीं बढ़ते हैं, वह वही सीमित अपनी दुनिया में रह जाते हैं। पुष्पा जी आगे हमें बताइए कि जो घर और परिवार के बीच आप संतुलन बनाते हैं, कितने बजे आप आती हैं ऑफिस में? हम तो अब तो हमारे बच्चे सियान हुए, थोड़ा सा हमारा साथ देती है, सपोर्ट करती है, बेटी जो है जी जी घर के कार्य में सपोर्ट कर लेती है। तो अब जब भी नींद खुला सुबह में तो नहान स्नान जो भी हुआ पूजा पाठ करने के बाद सीधा यहाँ दुकान पर सुबह 6 बजे तक आ जाती हूँ। अगर काम के ऊपर है, अगर काम कुछ ज्यादा है, आर्डर हम ज्यादा ले रखे हैं तो नहाना भी ख्याल नहीं रखते हैं, फिर नींद खुला पानी पिए गर्म, फिर उसके बाद तुरंत मैं यहाँ दुकान पर चल देती हूँ। वेरी गुड वेरी गुड। तो मैंने कहने का मतलब कि पूरी तरह आप अपने व्यवसाय पे डेडिकेटेड है, और रात में भी अगर काम ज्यादा है तो रात में भी 9, 10, 11 बज जाते हैं, 11 बज जाते हैं। अभी आज ही रात को हम लोग यहाँ से 11 बजे रात को गए हैं, जग जोड़ना था तो हम पति पत्नी दोनों लोग साथ में जग जोड़े हैं, 11 बजे घर में हैं। कौन कहता है कि कहा जाता है ना, कौन कहता है कि देखिए कहा जाता है ना आसमान में सुराग नहीं होता, एक तो पत्थर तो तभी से उछालो यारो, एक कहावत है, सही ये कहानी है कि देखिए रोने वालों के लिए कुछ इस दुनिया में नहीं है। यदि पति और पत्नी साथ मिलकर कदम बढ़ा ले और व्यवसाय के क्षेत्र में उतर जाए तो कोई ताकत नहीं है कि उन्हें रोक दे। पुष्पा जी ने यह सिद्ध कर दिया कि पति के बिजनेस जब डाउन हुआ तो इन्होंने दुनिया की परवाह नहीं की और अपनी मेहनत के परिश्रम के बदौलत इन्होंने अपने व्यवसाय को मजबूती दी और स्थापित की, और रात और दिन आज भी सुबह 6 बजे से लेकर 11 बजे तक ये परिश्रम करके अपने व्यवसाय को एस्टैब्लिश करती हैं, लगे रहती हैं, दुनिया की परवाह नहीं करती है।
पुष्पा जी आगे मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आगे आपकी क्या रणनीति है। देखिए आपने अच्छे पढ़े लिखे लोगों के लिए एक उदाहरण पेश किया है, जो अच्छे एमबीए पढ़े लिखे हैं वो 5,000, 6,000, 8,000, 10,000 की नौकरी ढूंढते रहते हैं लेकिन व्यवसाय नहीं करना चाहते। और मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि कुछ महिला हैं प्राइवेट स्कूल में 2,000 की शुल्क में पढ़ाती हैं या 2,500 की पढ़ाती हैं, मैं चाहती हूँ कि वो बल्कि एक बार वो उसमें भी 8 घंटा समय देना है। देखिए मैं तो ये चाहूंगा कि अभी पुष्पा जी का प्रश्न नहीं है, उत्तर प्रदेश सरकार के लिए है कि उत्तर प्रदेश सरकार को ऐसे महिलाओं को ब्रांड एम्बेसडर बनाना चाहिए। इन्होंने एक शब्द बोली, शायद वो चीज मैं नहीं पूछ पा रहा था, मेरे दिमाग में वो प्रश्न नहीं आ रहे थे जो पुष्पा जी खुद रख दी कि 3,000, 4,000 की 5,000 की नौकरी जो वो टीचर लड़कियां पढ़ी लिखी स्कूलों में प्राइवेट में पढ़ाती हैं, पूरा समय अपना व्यतीत करती हैं, वो 3,000, 4,000 से क्या उन्हें मिलने वाला है? वो क्यों नहीं अपना छोटा ऐसे रोजगार कोई शुरू करती है, अपना बिजनेस शुरू करती है जिससे अपने परिवार का बेहतर भरण पोषण कर सके और मार्केट में स्थापित हो सके, अपने ब्रांड के रूप में आ सके। पुष्पा जी मैं चाहूंगा कि आप ऐसा मैं आपसे चाहता हूं कि क्या यदि कोई आपको अपॉर्चुनिटी ऐसा देता है या आप खुद आगे बढ़कर महिलाओं के उत्थान के लिए महिलाओं को प्रेरित करने के लिए क्या कदम बढ़ा सकती है कि महिलाओं को आप प्रेरित करें, गांव में जाएं, कुछ लोगों को मिले कि खुद वो गरीबी की मार से बाहर निकलने के लिए अपने पैरों पे खड़ा हो सके। खड़ा हो सके जी सर, मैं कर सकती हूँ, लेकिन ये भी है कि वो महिला कोई भी महिला हो कोई भी लड़की हो जो 2,500 नौकरियाँ करती हैं और 8 घंटे का भी पूरा दिन का समय गुजार देती हैं, तो वो अपना कुछ भी अपना करें, अपना ऐसा भी कर सकती हैं कि कढ़ाई सिलाई बुनाई कुछ भी करें, उसका एक भी कढ़ाई सिलाई बुनाई का भी एक कारखाना हो सकता है, एक फैक्ट्री डाल सकती है, उसमें 10 लोगों का रोजगार दे सकती है, मार्केट में और फिर लाके बेच सकती है। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल, सब हो सकता है। और कोई भी कार्य मिट्टी का जैसे है कि हम लोग में इतना कार्य होता है कि बहुत कार्य कुछ लोग भी हम लोग टेरा कोटा का तो बहुत बड़ा व्यवसाय है, इस चीजों का देखिए मार्केट एक्सपोर्ट का बहुत बड़ा मार्केट है, मेट्रो सिटी में इसकी बहुत डिमांड है। 8 घंटे का 120 रुपया दिया जा सकता है, बर्तन पोछने का, मिट्टी भरने का और पानी लगा के सफाई करने का 3600 रुपया ऐसे ही मिल जाता है महीने में। अलग अलग शहरों में लोग चाहे टेरा कोटा से नहीं जुड़े, जिसको जो बिजनेस करना है महिलाओं को करना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए, लेकिन लोग सोचते नहीं, बस एक ही प्रश्न रखते हैं कि हम क्या कर सकते हैं। ये बातें करते लोग सरकार को दोष देते हैं कि सरकार हमारे लिए नहीं करता, हमारे लिए करें या ना करें हम अपने आप पे निर्भर हैं। देखिए बहुत बड़ा चीज है कि जो आपके सामने उदाहरण पुष्पा जी हैं कि हम सरकार को सिर्फ दोष देते हैं, चाहे किसी पार्टी की सरकार हो, सरकार नहीं कर रही, जिसको काम नहीं करना है, जो बैठ के खाना चाहता है वह सिर्फ सरकार को कोसता है कि सरकार हमारे लिए कुछ नहीं करे। एक प्रश्न और है हमारा कि जैसे हमें अपना जो हमें सुविधा चाहिए वो तो हमें चाहिए, तो हम अपना हमारा पुराना घर मोहल्ले में है, 7 फुट से में मिला है पुराना घर, तो उसमें हमें टॉयलेट का जरूरत था, हमने टॉयलेट बना लिया, हमें गैस का जरूरत था, हमने गैस खुद से कमा कर बना लिया, हम लोग सब कुछ अपने कमाई से कर लिए, घर का जरूरत था 7-8 फुट था, लेकिन चाहे वो हम कर्ज लेके किए फिर मेहनत करके भरे, लेकिन हम सरकार के भरोसे नहीं बैठे कि सरकार हमारा घर बनाए। वेरी गुड, देखिए क्या बात है, पुष्पा जी ने अच्छा बोला कि परिश्रम से हमने सब स्थापित किया, हम सरकार पे नहीं निर्भर किए कि सरकार करेगा गैस देगा ये देगा, हम खुद अपने सृजन कर मिलकर हमने सब चीज किया। फिर इसके बाद हमने नया घर बनवाया, 2 प्लाट में हमारा घर है, यहाँ पर भी हमने 2 लाइटिंग बनवा रखी, फिर यहाँ पर घर भी बनवा रखी, सब कुछ हम लोग किए, हम दोनों पति पत्नी मिलकर किए, लेकिन सरकार के भरोसे नहीं बैठे, लेकिन हमें जो सुविधा चाहिए हम सरकार मांग नहीं करते। हमारी समझ से आप आरक्षित वर्ग में भी आती है, आरक्षण में आती है जी हाँ। देखिए ये उदाहरण पुष्पा जी का मैं इसलिए नहीं आते हैं, आप तो प्रजापति नहीं आते, नहीं प्रजापति नहीं आते, नहीं पिछड़े वर्ग में तो आती होगी ना। हाँ, पिछले वर्ग, पिछड़े वर्ग को भी आरक्षण है। अच्छा। तो पिछड़े वर्ग को मैं इसलिए आपसे मैं शेयर आप सभी से करना चाहता हूँ कि देखिए पुष्पा जी जैसे महिलाएं सभी के लिए एक उदाहरण है कि देखिए आरक्षण की सुविधा होते हुए भी आरक्षण पर निर्भर नहीं की इन्होंने, अपने बदौलत परिश्रम से सब कुछ स्थापित की।
ये अपने भाग्य पे नहीं रोई, आज बताई कि अपने मेहनत से, अपने मेहनत से हाई स्कूल भी पूरा नहीं की, अपने परिश्रम से इन्होंने नया घर बनाई, पुराने घर को सही की, अपना बिजनेस एस्टेब्लिश की। 12 घंटा क्या 16 घंटे ये कार्य करती हैं, ऑफिस को अपने देखती है, बिजनेस को, प्रोडक्शन और बिजनेस दोनों अपना संभाल रही है, मार्केटिंग सब कुछ अपना ये देख रही है। सुबह कभी 6 बजे से आती है, रात को 11 बजे तक रहती है। तो कहने का मतलब है साथियों, महिला उद्यमीकरण के लिए भी एक बहुत बड़ा पुष्पा जी उदाहरण है, और ये उत्तर प्रदेश के लिए बहुत बड़ा उदाहरण है कि जो सिर्फ सरकार का नाम लेकर रोते हैं, सरकार ये सुविधाएं नहीं दे रही, सरकार वो सुविधाएं नहीं दे रही, वो तो जीवन भर ही रोएंगे। पुष्पा जी जैसे महिला जो है वो हमेशा इतिहास रचती है, वो किसी के नाम का रोना नहीं रोती, वो संघर्ष करके जो हाई स्कूल, बार बार बोल रहा हूँ, जो हाई स्कूल अपना कंप्लीट नहीं कर पाई और व्यवसाय जगत में अपना नाम जमा चुकी है, टेराकोटा पर अपना हाथ जमा चुकी है, आज जितना इन्हें चाहिए बिजनेस, बोलती है कि जितना बिजनेस चाहिए, जितना हम प्रोडक्शन कर रहे हैं वो सफिशियंट है, फिर भी आगे क्या प्लानिंग है, क्या आपने प्रोडक्शन को बढ़ाइएगा, बिजनेस को आगे बढ़ाइएगा, क्या आपका प्लानिंग है? जी जी, और चलता रहेगा इसी तरह, हमें नए नए आइटम जो भी है अपने दिमाग से सोचना, निकालना, किसी को नकल नहीं करना, अपना खुद बनाना, अपना खुद बिजनेस को कैसे बढ़ाएगा, इस बिजनेस को और बड़ा करने के लिए क्या आपके पास प्लानिंग है? क्या प्लानिंग है कि इसी में कारोबार आगे चलता रहे। जी जी, और मिट्टी का प्रॉब्लम है, इससे उम्मीद नहीं है कि आगे बढ़ेगा, मतलब मिट्टी अब नहीं मिल रहा है, मिट्टी नहीं मिल रहा है, और कारोबार चल कैसे रहा है कि कोरोना समय में जो माल नहीं बिका है, माल नहीं बच पाया है, वही मिट्टी पड़ी है, अब चल रहा है, मिट्टी का ही दिक्कत बहुत है, मिट्टी का सबसे बड़ा दिक्कत है इसमें। हमारे समझ से सरकार को चाहिए कि व्यवसाय को, ये टेराकोटा को, व्यवसाय को जीवित रखने के लिए मिट्टी का, इसकी जो मिट्टी कहाँ से आता है, उस मिट्टी का कोई ना कोई विकल्प दे कि यहाँ से मिट्टी निकलेगी, क्योंकि मिट्टी का खुदाई में समस्याएं हैं। और बहुत बहुत पुष्पा जी आपको धन्यवाद। अब मैं चाहूंगा कि जो भी व्यूअर्स है जो देख रहे हैं, और सरकार से भी कहना चाहूंगा कि ऐसे महिलाओं के लिए आगे बढ़े, और उदाहरण के रूप में अपने ब्रांड एम्बेसडर के रूप में बड़े बड़े हीरो हीरोइन की बजाय इन ग्रामीण महिलाओं को, जो खुद अपने बदौलत, जो किसी पे आश्रित नहीं होकर खुद अपने परिश्रम से अपना व्यवसाय एस्टैब्लिश किए हैं, ऐसी महिलाओं को ब्रांड एम्बेसडर बनाना चाहिए, ताकि पढ़े लिखे महिलाएं भी सीखे, जो अच्छा पढ़ लिख कर भी वो सरकारी स्कूल के 3,000 के ट्यूशन और दुनिया और समाज के डर से कुछ करना नहीं चाहती है। दुनिया और ये समाज रोटी नहीं देगा, रोटी अपना परिश्रम ही देगा और अपना व्यवसाय ही देगा। नमस्कार साथियों, फिर मिलते हैं आजमगढ़ में किसी और स्थान पर किसी और विषय वस्तु के साथ। नमस्कार पुष्पा जी।